हर महीने आता। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग या अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है, ये शिव तत्व है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार प्रदोष बन सके, तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा है, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो, ऐसे शिव शत्रु। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें, जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है या सोमवार है या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है, हल्दी में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए, अभीर, अभीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अभीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अभीर डलता है चमकदार, आपने देखा होगा अभीर हो, तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अभीर को लगा कर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है, वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज, बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना भीड़ लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले, बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है,
फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये तीन घड़ी, तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वो तीन दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। आओ पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष। प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय। महाराज जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, महाराज शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को सात कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। महाराज इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया। महाराज भगवान श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। महाराज ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज हैं महेश्वरी, जिनकी 12 खाम प्रकृति है भगवान महेश के द्वारा,
वो महेश और उमा, उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं, और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे हैं, शमी के वृक्ष में भी कांटे हैं। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें काटा क्यों आया है। थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे, तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने यह कह दिया, देवरानी ने यह कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने यह कह दिया, तुम्हारी बहनों ने यह कह दिया, तुम्हारे भाई ने यह कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने यह बोल दिया, ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई। भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता, जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब।